हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्किन केयर। मैं हूँ दरक्षा। आज मैं एक क्लींजिंग मिल्क का रिव्यू शेयर करूँगी और ये क्लींजिंग मिल्क है SSCPL हर्बल्स। इसका मैं ज़्यादा नाम नहीं सुनी थी, मैं इसको purple.com से ली हूँ। मैं वहाँ पे शॉपिंग कर रही थी तो ये दिख गया क्लींजिंग मिल्क में, तो मुझे लगा इसको एक बार ले लेते हैं, ट्राई करके देखेंगे ये कैसा है। और मुझे प्राइस भी इसका बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस लगा। ये है SSCPL हर्बल्स, फॉर ऑल स्किन टाइप है, pH बैलेंस, पैराबिन फ्री, मिक्स फ्रूट है। मैं इसका दो ली थी, एक टर्मरिक ली हूँ। ये आज मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ मिक्स फ्रूट क्लींजिंग मिल्क का। ये देखिए इसका, यहाँ मैं इसको ली थी purple.com से, मुझे वहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं इस पर मिला था। यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, 155 रुपये का है। ये अफोर्डेबल प्राइस है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये इसका नेट वॉल्यूम है 200 ml, इसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्वांटिटी अच्छा है प्राइस के हिसाब से। अभी इस पर थोड़ा डिस्काउंट भी आते रहता है इस पर भी। यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है, इसका फुल इंग्रेडिएंट यहाँ पे मेंशन है, यूज करने का डायरेक्शन है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। मिक्स फ्रूट क्लींजिंग मिल्क विथ हर्बल्स एंड बोटानिकल एक्सट्रेस, ऑरेंज, लेमन, स्ट्रॉबेरी, मलबरी, पपाया, कुकुम्बर, कीवी और भी है। यहाँ पे सारा इंग्रेडिएंट मिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है किस किस चीज़ में वर्क करेगा, ब्लेमिस एंड डार्क स्पॉट, स्किन टोन, ये सारे चीज़ पे भी वर्क करेगा। ये डेली यूज करने के लिए है, ये रिमूव एक्सेस ऑयल। पैकिंग तो बहुत ही अच्छा है, आपको ट्रेवल फ्रेंडली पैकिंग है, इस तरीके से भी ये खुल जाएगा। ये देखिए मैं इसको यूज कर ली हूँ, हाफ हो गया है मेरा यूज करते ही, मुझे ये अच्छा लगा। ये ओवरऑल इसका प्रोडक्ट भी दिखाती है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा आपको ये थिक नहीं है, ये इस तरीके से रनिंग है। ये देखिए तुरंत लिए, लिक्विड टाइप से है, चलने लगता है। ये इसको आप अपने फेस पे लेकर अच्छे से इसको मसाज कीजिएगा इस टाइप से, आपको थोड़ा सा भी मतलब देखिए इस तरीके से आप इसको मसाज करेंगे। अगर आप मेकअप किए हुए तो भी आप इसको अप्लाई करके कॉटन से क्लीन कीजिएगा, अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद आप फेस वॉश भी कर सकते हैं, या फेस वॉश करने के बाद भी आप इसको यूज कर सकते हैं अच्छे से इसको, मतलब मेकअप करने से पहले क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेस के लिए। CTM उसमें भी आप इसको शामिल कर सकते हैं स्किन पे। इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी है, एकदम धीमा धीमा फ्रेग्रेंस इसमें से मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगता है। इसको अभी कॉटन से रिमूव करके दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से आप कॉटन लेंगे, कॉटन लेकर आप अच्छे से इसको क्लीन कीजिएगा, ऐसे ही साफ करना है। ये देखिए कितना अच्छा से ये रिमूव किया है, पूरा चीज़ आपका निकल जाएगा, धूल मिट्टी ये है। आप इसको हर तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसको अगर आप फेशियल करने से पहले किसी किसी में नहीं रहता है क्लींजिंग दिया हुआ, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। इसको देखिए कितना अच्छा क्लीन किया है स्किन को। अब मुझे ये अच्छा लगा कि देखिए जरा सा भी आपको चिपचिपन नहीं लगा, देखिए कितने अच्छे से ये क्लीन किया है। मतलब गर्मी के लिए भी अच्छा ये प्रोडक्ट है, ऑयली ऑयली भी नहीं करता है, ये थोड़ा सा भी चिपचिप नहीं लगता है मुझे, तो अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। जितना सोचे नहीं थी उतना अच्छा मुझे ये लगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि मुझे यूज़ करते हुए तो टाइम बहुत हो गया, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है स्किन पे, ना ही इससे पिंपल्स आता है, ना ही ड्राइनेस लगता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छे से मेरी स्किन को सूट भी किया, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे इससे। आइए थोड़ा गर्मी के टाइम में ऑयली ऑयली भी स्किन हो जाता है, ऑयली ऑयली भी नहीं कर। आप लोग इसको यूज किए हैं तो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे तो ये अच्छा लगा, मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसको ट्राई, अच्छा प्रोडक्ट है ये। यही है मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर
कुछ भी आपको इससे कन्फ्यूजन है, कुछ भी इसमें पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।